हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में ख़राब हुए एलईडी बल्ब को रिपेयर करने वाला हूं। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप रात में भी पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करते करते आपके बीच में एलईडी बल्ब जो है वो ख़राब हो जाते हैं, तो अगर आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, अगर रात में ही एलईडी बल्ब ख़राब हो जाए तो आप इमरजेंसी में कैसे रिपेयर कर सकते हैं इस एलईडी बल्ब को, तो चलिए आज की इस वीडियो को ज़रा सा भी स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि खास तौर स्टूडेंट के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। जैसा कि आपको मैं सरल तरीके से अपने घर पे कैसे इसको आसानी से रिपेयर कर पाएंगे उसके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ। जिन लोगों को एलईडी बल्ब रिपेयर करना आता है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों को कुछ भी नहीं आता है वो हमारा वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देख लेना। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सीरीज बोर्ड का होल्डर लिया हूँ। ये सीरीज बोर्ड का होल्डर अलग होता है और जो नॉर्मल आप एसी से चलाते हैं उस होल्डर में आपका कनेक्शन अलग होता है। तो यहाँ पे देखिए सीरीज बोर्ड का होल्डर बनाया हूँ। जब भी आप रिपेयरिंग करते हैं तो सीरीज बोर्ड का होल्डर का यूज करें। तो यहाँ पर हमारा बल्ब जो है ना ही हमारा तेज़ रोशनी जल रहा है और देखिए हमारा बंद है। यहाँ पर हाफ ग्लो हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर लाइटिंग हो रहा है। इतना कम लाइट में हमें पढ़ाई करने बनेगा, ना ही हमारा रोशनी कुछ इसमें दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा, शायद इसका डिफ्यूज़र को खोलने के बाद में आपको अच्छी तरीके से क्लियर पता चल जाएगा। तो इसके लिए देखिए डिफ्यूज़र खोलने के लिए देखिए आपको इस तरह से पकड़ लेना है। यहाँ से देखिए इसको इस तरह से पकड़ के इस तरह से आपको एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज इस तरह से देखिए राउंडिंग करके इसको घुमा लेना है, ताकि इसका गम लगा रहेगा, सिलिकॉन लगा रहेगा तो वो आपका लूज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको इस तरह से खींच लेता हूँ। तो खींचने के बाद में ये हमारा एलईडी बल्ब जो का डिफ्यूज़र है ये खुल जाता है बहुत ही आसानी से। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको लाइव यहाँ पे दिखाता हूँ कि हमारा एलईडी बल्ब जो है वो कैसे कम जलता है, क्यों कम जल रहा है, वो कारण आप जान लेते हैं तो उसको भी आसानी से ठीक कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा इस तरह से कम जल रहा है। तो अभी तक आपने हमारा वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो आपके लिए हर रोज़ लेके आते रहता हूं दोस्तों। और हमारे चैनल के नोटिफिकेशन को भी ऑल पे ज़रूर सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आप नोटिफिकेशन सबसे पहले पाकर देख सकेंगे वीडियो। तो यहाँ पे देखिए मैं सबसे पहले यहाँ पे आपको ये दिखाया कि हमारा एलईडी बल्ब में आप देख सकते हैं, गौर कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारा कितने SMD LED लगे हुए हैं, और एक SMD LED यहाँ पे हमारा देखिए बिल्कुल नहीं जल रहा है। और यहाँ पे इसका फ़र्क जो क्या है ये आप पता लगा सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर आप LED बल्ब रिपेयरिंग करना थोड़ा बहुत जानते हैं तो आप इसको पता लगा सकते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ है। तो देखिए आपके पास में कुछ भी कंपोनेंट या कुछ भी टूल्स नहीं होता है, फिर भी आप अपने पास कुछ बहुत ऐसा टूल्स आपके घर में मिल ही जाता है जिसके कारण से इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा एक SMD LED यहाँ पे बिल्कुल काला दिखाई दे रहा है, तो यही कारण है या फिर आपका LED बल्ब का ड्राइवर सर्किट से कुछ वोल्टेज प्रॉब्लम है। पर आपको मैं यहाँ पे वोल्टेज को एक बार मेजर करके दिखा देता हूँ फिलहाल, पर आपके पास में ये सुविधा नहीं होता है फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका वोल्टेज कैसे कम हो रहा है या फिर क्या कारण हो सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने DC वोल्ट 1000 के रेंज में मैंने सेट कर लिया है। अब इस मल्टीमीटर को देखिए, यहाँ से मैं इसको चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं इतना हाई वोल्टेज यहाँ पे जनरेट कर रहा है, क्योंकि हमारा SMD LED जो है वो हमारा काम नहीं कर रहा है, इसी कारण से इतना ज़्यादा यहाँ पे वोल्टेज शो कर रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा LED बल्ब जो है थोड़ा सा ग्लो कर रहा है। तो इसको हम कैसे पहचान कर पाएंगे कि यही हमारा ख़राब है या फिर इस तरह से देखिए, अगर आपका सभी LED बल्ब हल्का हल्का आपको ग्लो कर रहा है तो आपको पता लग जाएगा, पर अगर आप थोड़ा भी ग्लो अगर नहीं करता होगा तो आपके घर में भी देख सकते हैं वायर का टुकड़ा आपको ज़रूर मिल जाएगा, उसमें छोटा सा वायर ले लीजिएगा और देखिए दोनों साइड से इस तरह से हल्का हल्का इसका कवर को छील लीजिएगा, नॉब को हल्का हल्का यहाँ से छील लीजिएगा, इस तरह से मोड़ के बना लीजिएगा। ये जो तरीका मैं आपको बताता हूँ ये तरीका बहुत ही आसान है, इस आसान तरीके से आप LED बल्ब को रिपेयर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप सावधानी से यूज करेंगे, इस तरह का जो ड्राइवर सर्किट वाले जो होते हैं प्लस और माइनस जो दिखाई देते हैं उसी सर्किट में इसको आपको यूज करना है, ना कि आपको डोब लाइट वाले में बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है। तो ये सब बातें को आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। और यहाँ पर देखिए इस जहाँ पर भी इस तरह से यहाँ पर दिखाई देते हैं, देखिए तो मेरे पास यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इस SMD LED को शॉर्ट कर रहा हूँ तो हमारा LED जो है वो ग्लो कर जा रहा है। तो इसमें ये दिक्कत हो रहा है, इसमें देखिए जो SMD LED हमारा ख़राब हो जाते हैं तो उस ख़राब हुए SMD LED को यहाँ से आपको निकाल देना है। देखिए ये जल चुका है, तो इसी कारण से यहाँ पे हमारा ये हमारा SMD LED जो है इस तरह से देखिए ख़राब हुआ रहता है। देखिए यही SMD LED हमारा ख़राब था तो इसमें ही देखिए हमारा निकल चुका है बहुत ही आसानी से। ये जब गर्म होता है जल जाता है तो ये आसानी से टूट जाता है,
और टूटने के बाद में देखिए इसमें दो पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, एक छोटा पॉइंट देखने को मिलेगा और एक आपका बड़ा पॉइंट देखने को मिलेगा। तो जो छोटा पॉइंट है वो प्लस है, ये हमारा बड़ा वाला जो है माइनस होता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। पर यहाँ पे आपको क्या करना है, आप पढ़ाई करते हैं तो आपके घर में देखिए जो खाली पेन जो बच जाता है उस पेन के अंदर में देखिएगा, जो इस तरह का जो पेन होता है उसके अंदर में देखिए स्प्रिंग मिल जाएगा देखने को। उस पेन को खोलिएगा जहाँ पर आपका लीड जब ख़त्म हो जाता है तो उस लीड से देखिएगा इस तरह का स्प्रिंग आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये स्प्रिंग आपको थोड़ा सा यहाँ से निकाल लेना है, देखिए मैं कितना निकालता हूँ ये आपको मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये स्प्रिंग को यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे कट कर लेना है। कट करने के लिए देखिए आपको किसी भी सहायता से आप कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे कट कर लेना है, थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा, और इस टुकड़े की सहायता से देखिए आप इस LED बल्ब को आप रिपेयर कर पाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इस छोटा सा टुकड़ा यहाँ पर कटिंग किया हूँ, और इस छोटे से टुकड़े से मैं इस बल्ब के ऊपर देखिए जहाँ पे हमारा SMD LED यहाँ पे ख़राब है उसी जगह पे यहाँ पे लेके आता हूँ और इसको मैं रख देता हूँ इस जगह पे, इस जगह देखिए इस तरह से आपको यहाँ पे कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको रख देता हूँ, तो इसको देखिए मैं सीधा रखने के लिए देखिए यहाँ से मैं होल्डर में लगा लूँगा और इसका कनेक्शन को मैं बाहर निकाल देता हूँ ताकि आपको मैं दिखा सकूँ अच्छी तरीके से। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, आपके घर में ये इलेक्ट्रिक का टेप जो होता है ये टेप आपके घर में भी मिल जाएगा अगर आपके घर में बिजली है तो। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक का टेप जो है उस टेप को यहाँ पे लेके आना है और इस तरह से देखिए यहाँ पे आपको लगा देना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से LED के ऊपर मैं यहाँ पे चिपका दिया हूँ। अब यहाँ पे देखिए इस LED के ऊपर में नहीं लगाना है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए मैं इस LED को यहाँ पे मैं चेक करके दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा SMD LED जो है हमारा ग्लो कर रहा है। अब यहाँ पर मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ, अब यही ख़राब हुए LED बल्ब जो है हमारा यहाँ पर देखिए जल रहा है। अब देखिए इतना जब आप कर लेते हैं तो आपका 100-200 रुपये जो लगने वाला जो पैसा था वो बच जाता है। अगर आप रात भर भी अगर आप जला लेते हैं तो उस रात भर जो पढ़ाई किए हुए जो आपका कीमती जो समय है वो बहुत आपके जीवन में काम आ सकता है। तो देखिए इस तरह से आप इसको बना के जला सकते हैं, रात भर कोई दिक्कत नहीं है। जब आपका LED बल्ब अधिक समय जलने के बाद में ख़राब हो जाए तो आप ये MCPCB को आप नया परचेस करके लेके आइएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। MCPCB आपको देखिए इस तरह से मार्केट में मिल जाएगा, एक एक छोटा छोटा पीस आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ऐसा भी आपको देखने को मिल जाएगा जो आपको 9 वाट में मिल जाता है, आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक के शॉप में जाके इसको परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसका डिफ्यूज़र को कंप्लीट तरीके से इस तरह से लगा देता हूँ, अब देखिए ये बन के तैयार हो गया है। अब इसकी उजाला को आप देख सकते हैं, जो पहले जलता था उसी तरह से जलेगा, बस इसमें क्या होगा थोड़ा सा SMD LED में लोड बढ़ जाता है, उसके कारण से ज़्यादा समय तक जल नहीं पाता है, यही कारण होता है। देखिए अगर आपको ये जो तरीका होता है इसमें अगर आप डायरेक्ट इसमें सोल्डिंग कर देते हैं या फिर आप कुछ कर देते हैं तो भी चल जाता है, पर इतना सब कुछ आपके पास में नहीं होता है रात के समय में, तो ये तरीका अगर आप कर लेते हैं तो भी आपका रात ज़रूर निकल जाएगा। तो चलिए इसको मैं दोबारा लगा देता हूँ और आपको चेक करके दिखा देता हूँ। तो देखिए हमारा LED बल्ब जो है वो जल रहा है। अगर आप एक अच्छे बल्ब को भी मैं जला के दिखाता हूँ जिसमें इसका रोशनी कितना है वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब जब मैंने इसको रिपेयर किया अब इसका रोशनी को भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस तरह से अपने घर के LED को आप ठीक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों, तो हमारे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो आपके लिए हर रोज़ लेके आते रहता हूँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हमारा इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में अपने व्हाट्सअप ग्रुप में ज़रूर शेयर कर देना, ताकि इस वीडियो को देख करके आपके फ्रेंड भी रिपेयर कर पाएंगे अपने ख़राब LED बल्ब को। और हमारे इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं अपने प्यारे से शहर का नाम कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों, ताकि मैं आप सभी लोगों को थैंक्स कर सकूं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगर आप टोटल रिपेयरिंग LED बल्ब का वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में यस करके ज़रूर लिखना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारा वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। टेक केयर दोस्तों।